हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर रूलर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर है। कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले आज हम जानेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट को हम कैसे यूज करते हैं, और यूज करने के साथ साथ हम ये जानेंगे कि इसके अंदर कमांड्स कैसे यूज की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कैसे करते हैं देख लेते हैं। आप विंडो की की दबाएं और यहाँ पे आप लिखना है आपको सीएमडी, तो आपका सीएमडी डायरेक्ट ऐसे भी ओपन हो जाएगा। और दूसरा तरीका है, आप रन पे जाएं और रन पे लिखें सीएमडी। जैसे ही आप लिखेंगे, एंटर मारेंगे, आपको यहाँ पे एमएस डॉस ओपन हो जाता है, जिसे कहा जाता है कमांड प्रॉम्प्ट। और कभी कभी एमएस डॉस को हमें एडमिनिस्ट्रेटर से चलाना पड़ता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विंडोज पे जाएं, सीएमडी लिखें और यहाँ पे देखिए रन एज एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। आप यहाँ पे क्लिक कर दें और ये क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर से चल जाएगा। मतलब कुछ कमांड्स जो होती हैं हमारी, वो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटर पे ही वर्क करती हैं, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से अगर आपको डायरेक्टली चलना, तो आप ऐसे भी चला सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नॉर्मली कि कमांड्स को हम कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम अगेन ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद रन पे जाके हम सीएमडी लिखते हैं। नॉर्मली हम बी ओपन करते हैं, तो और हम एक और चीज ओपन कर लेते हैं, मैग्नीफाई, ताकि आपको कमांड मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखा सकूं। व्यू लेंस टाइप कर देता हूं मैं। आप देखेंगे मैं अभी कहां पे हूं, सी ड्राइव में हूं। लेंस टाइप सही नहीं है, फुल स्क्रीन ही कर देते हैं, छोड़ो। और आप यहाँ पे देखेंगे मैं अभी सी ड्राइव में हूँ। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर जो है साइबर किंग है। अब मान लो हमें यूजर्स के अंदर जाना है, तो डायरेक्टली अगर हमें एक फोल्डर बैक जाना है, तो सीडी लिखेंगे और स्पेस देंगे और डबल डॉट आपको लगाना है। जैसे ही आप एंटर मारेंगे, अब देखें सी के अंदर यूजर्स है, यूजर्स के अंदर आप आ चुके हैं। और एक और बार हम करके देख लेते हैं, सीडी डॉट डॉट लगाए और हम देखें अब बैक आ गए। अभी हम सी ड्राइव के अंदर हैं, तो सी ड्राइव के अंदर अभी हमें चेक करना है कौन कौन से फोल्डर हैं। तो फोल्डर चेक करने के लिए हमें डी आई आर ई कमांड होती है, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्टरी। एंटर मारेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें सारी डायरेक्टरी दिखाई दे रही है। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। डी आई आर मैंने डाला ड्राइव सी के अंदर। आप यहाँ पे देखें डायरेक्टरी 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 डायरेक्टरी, कितनी डायरेक्टरी हैं, 8 डायरेक्टरी हैं और फाइल्स कितनी हैं, 0। अब देखें कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं, डेल का है, इंटेल का है, प्रीफ्लॉग का है, प्रोग्राम फाइल्स का, प्रोग्राम 86 का, टर्बो C++ का, यूजर्स का और विंडोज़ का है। तो हम अगेन जो है यूजर्स में चले जाते हैं। तो यूजर्स में जाने के लिए सीडी USERS यूजर्स आपको लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देखें सी के अंदर यूजर्स के अंदर आप आ चुके हैं। अब हमें अगेन चेक करना है यहाँ पे कौन कौन से फोल्डर हैं या क्या है, क्या क्या है। हमने डी आई आर किया, यहाँ पे आप देखेंगे दो हैं, एक साइबर किंग है और एक पब्लिक है। तो हम साइबर किंग के अंदर चले जाते हैं, सी डी लिखा, सी वाई बी आर के आई एन जी लिखा हमने, एंटर मारा। तो क्या कह रहा है, दिस पाथ इज नॉट स्पेसिफाइड, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे साइबर और किंग के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। तो हमें स्पेस वाले को यूज करने के लिए कैसे करना पड़ता है, सी डी डबल कोट से स्टार्ट किया, साइबर किंग में गए और लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। आप देखेंगे अब आप साइबर किंग के अंदर है। मैं थोड़ा सा ठीक है। अब डी आई आर हम करते हैं कौन कौन सी डायरेक्टरी है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी डायरेक्टरी मिल दिख जाएंगी आपको, डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर, तो सी डी, एक मिनट जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, सी डी लगाया, उसके बाद हमने डी एस के टी ओ पी डेस्कटॉप लिखा और एंटर मारा। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर जो चाहे आप अपर केस में लिखें, चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें, कोई भी मैटर नहीं करता। मतलब इसके अंदर चेंज केस जो है सपोर्ट, अपने आप एक केसेस जो है एडजस्ट कर लेता है। ये नहीं है कि जो है कहीं कहीं आप प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं तो केसेस जो है मैटर करते हैं। जैसे आप लिनक्स में कोडिंग, लिनक्स में यही कमांड्स यूज करें, सी डी डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप अगर आपको ओपन करें तो डेस्कटॉप पर डी आपको कैपिटल लिखना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, आप चाहे जैसे कर ले, मैं आपको करके दिखाता हूँ। बैक गए और मैंने अगेन सी डी लिखा। अब देखिए मैंने डेस्कटॉप का डी स्मॉल लिखा है, एंटर मारा, मैं डेस्कटॉप में आ चुका हूँ। लेकिन आप लिनक्स में यही चीज करते हैं तो डेस्कटॉप का डी आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपका फोल्डर ओपन नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केसेस जो इसके अंदर मैटर नहीं करते हैं।
अब हम यहाँ पे सबसे पहले छोटी छोटी कमांड्स डालते हैं, जैसे कि फोल्डर बनाना। फोल्डर हम कैसे बना सकते हैं? तो फोल्डर बनाने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है mkdir make directory। mkdir का मतलब हुआ make directory। डायरेक्ट्री मुझे बनानी है, किस नाम से बनानी है? मुझे राजा के नाम से बनानी है, तो मैंने राजा किया और एंटर कर दिया। अब हम चेक करते हैं क्या डेस्कटॉप के अंदर राजा नाम की डायरेक्ट्री आई है। तो सबसे पहले हम ऊपर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेस्कटॉप के अंदर राजा नाम का, ही देखो राजा नाम की डायरेक्ट्री आई है। कब बनी है? 3/12/2019 और 3:37 पे। हम आपको यहाँ पे टाइम भी चेक करवाते हैं, 3:37 और 12, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी फोल्डर के अंदर आपको अंदर अगेन जाना है, तो आप सीडी राजा एंटर किया। अब हम राजा के अंदर आ गए। अब इसी राजा के अंदर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कोई फोल्डर तो नहीं है। चेक किया तो यहाँ पे क्या है, 0 0 5 0 डायरेक्ट्री। तो दो डायरेक्ट्री जो है आपकी ये हाइड बनती है। हाइड कौन सी बनती है मैं अभी वो थोड़ी देर में बता दूंगा। हाइड कैसे रहती है, हर एक फोल्डर, जब भी आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, चाहे आप इससे करें चाहे आप किसी से भी करें, दो फोल्डर ऑटोमेटिकली जो है उसके अंदर हाइड बन जाते हैं। अब सबसे पहले हम ये राजा का फोल्डर देख रहे हैं राजा के अंदर, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इस राजा के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बना के देखते हैं, mkdir दीपक एंटर किया। अब देखते हैं dir से हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा दीपक नाम का फोल्डर बन गया है। अब हमें अगर इसे डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए इजिली एक कमांड होती है rdeepak दीपक और एंटर मारा। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब हमारी कमांड जो है डिलीट, फोल्डर जो है डिलीट हो चुका है। हम चेक कर लेते हैं dir, अब हमारा दीपक नाम का फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा। फोल्डर को डिलीट करने के लिए दोस्त आरडी कमांड का यूज करते हैं। चलो हम एक बार और बैक चले जाते हैं, सीडी स्पेस डॉट डॉट एंटर मारा। dir से हम चेक करते हैं क्या राजा नाम का फोल्डर, एक मिनट, अच्छा राजा नाम का हाँ फोल्डर दिखाई दे रहा है। मुझे राजा नाम का फोल्डर डिलीट करना है, तो मैंने आरडी लिखा, स्पेस दिया और राजा फोल्डर को मैंने डिलीट कर दिया। तो dir से मैं चेक करता हूँ, राजा नाम का फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा। अगेन क्रिएट कर लेते हैं mkdir राजा, बन गया है, हाँ बन गया है। अब सीडी से हम राजा के अंदर चले जाते हैं, आ गए हम राजा के अंदर। अब मान लो एक और चीज, अब यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका, अब मुझे पूरी स्क्रीन को क्लियर करना है। एक कमांड होती है cls एंटर मारा, सारा क्या है क्लियर हो गया। पूरी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम cls कमांड का यूज करते हैं। एक और चीज, अभी मान लो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम छोटी छोटी कमांड का यूज करते हैं, जैसे हमने फोल्डर बना लिया, फोल्डर डिलीट करना आ गया, फोल्डर के अंदर जाना आ गया, फोल्डर के बाहर जाना आ गया। अब हम एक फोल्डर बनाते हैं इसी राजा के अंदर सबसे पहले। अब मैं आपको कुछ चीजें अच्छी सी बताता हूँ। जैसे अब मैंने राजा के अंदर एक फोल्डर बनाया mkdir और दीपक नाम से बनाया, एंटर मारा, dir से चेक करते हैं क्या दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसी चीज को अगर मुझे जो भी फोल्डर्स हाइड हैं, जैसे यहाँ पे ये दो दो डॉट वाले दिखाई दे रहे हैं और दीपक नाम का हाइड दिखा रहा है, अब मुझे यही देखना है कि कौन कौन से फोल्डर इस डायरेक्टरी के अंदर हाइड है। तो एक कमांड होती है dir/ah हिडन फोल्डर्स को देखने के लिए। हम नीचे आते हैं और एक मिनट, क्या हुआ ये, अगेन एच की जगह हम एस लगा के देखते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, फाइल नॉट फाउंड, कहाँ गया कहाँ गया, एच लगाया एंटर मारा, कोई फाइल नहीं है, मैंने शायद हाइड नहीं की क्या dir, अच्छा अभी मैंने हाइड तो की नहीं है, तो कैसे दिखाई दे जाएगा। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इस दीपक नाम के फोल्डर को हाइड करते हैं। आप दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे दीपक नाम का फोल्डर है, अभी ये हाइड नहीं है, अब हम इसे हाइड कर देते हैं। आपको मैं नॉर्मली दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए राजा नाम का फोल्डर है, ये रहा राजा नाम के फोल्डर के अंदर। अगर हम देखें यहाँ पे दीपक नाम का फोल्डर अभी हमें शो हो रहा है। अब इसे अगर हाइड करना है तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने cmd में। सीएमडी में जाने के बाद आप अपने यहाँ पे कमांड डालेंगे, AWTRIB
एट्री प्लस एच, एट्री प्लस एच से एट्रीब्यूट है ये किसका है, एट्रीब्यूट मैं लगा रहा हूँ इस फोल्डर पे, कौन सा एट्रीब्यूट लगा रहा हूँ, प्लस एच मतलब हिडन का, और हिडन के साथ साथ मैंने एक कमांड और डाल लगा दिया। चलो अभी हम खाली हिडन हिडन का लगाते हैं, एट्री प्लस एच लगाया और कौन सा फोल्डर पे लगाना है, दीपक के फोल्डर पे लगाना है, एंटर मारा हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जीरो डायरेक्टरी, और हम एक बार वैसे भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी हमारी डायरेक्टरी नहीं दिखाई दे रही है। अब लेकिन एक चीज़ होता है, जैसे लोग यहाँ से व्यू पे जाके कर लेते हैं हिडन आइटम्स, तो आपको यहाँ पे दीपक का दिखाई देना शुरू हो जाता है। अब मान लो इस सिक्योरिटी से भी इसे हटाना है, मतलब चलो एक काम करते हैं, हम पहले वहाँ से इसे अनहाइड करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगेन, अब मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ, डी आई आर सॉरी एट्रीब्यूट, आपको एट्रिब लिखना है, एट्रिब लिखने के बाद आपको माइनस का साइन लगा देना, किसी भी एट्रीब्यूट को हटाने के लिए आपको माइनस का साइन यूज़ करना है, और अप्लाई करवाने के लिए उसे प्लस का साइन यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने एंटर मारा, अब वो फोल्डर मुझे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। डी आई आर से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप दीपक नाम का फोल्डर दिखाई देना आपको शुरू हो गया। अब एक और चीज़, अगर अब इसे जैसे उस उन्होंने देख लिया था, पहले मैं आपको वहाँ पे दिखा भी देता हूँ, आ गया नहीं आया, हाँ आ गया। अब जैसे यहाँ से आपने देख लिया था कि आपको दिखाई दे गया था हिडन आइटम की जगह से, अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर बंदा क्लिक करे तो भी आपको ना दिखाई दे, तो यहाँ पे एक कमांड लगती है उसके लिए, ए डबल टी आर आई बी प्लस एच प्लस एस। अब ये क्या करेगा, प्लस एच प्लस एस, प्लस एच से हिडन हो जाए और प्लस एस से जो है क्या बन जाए, सिस्टम की फाइल बन जाए, और कौन सी सिस्टम की फाइल बन जाए, डी डबल ई पी ए के दीपक नाम का फोल्डर हाइड हो जाए और सिस्टम की सिस्टम का फोल्डर बन जाए। ये मैंने इसके लिए एट्रीब्यूट लगाया और मैंने एंटर कर दिया। चेक करते हैं, कुछ भी नहीं शो कर रहा। अब हम यहाँ पे अपना सॉरी चेक करते हैं, मेरे यहाँ पे फोल्डर अगेन नहीं दिखाई दे रहा, राजा के अंदर ही हूँ मैं अभी। अब यहाँ से मैं हिडन आइटम करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब भी मेरा फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा। अब इसे देखने के लिए वही सेम प्रोसीजर, अपने सी एम डी पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको सेम चीज प्लस की जगह पे माइनस लगा देना है, एंटर कर देना है। अब डी आई आर हम अप्लाई करते हैं, देखेंगे हमारा फोल्डर यहाँ पे आपको शो होना, दिखाई देना शुरू हो गया है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एट्रिप के बारे में हम सेकेंड पार्ट में इसकी बात करेंगे। अब हम थोड़ी सी मतलब चीज़ें जान लेते हैं इसकी बेसिक चीज़ें के बारे में। अब जैसे हमें मान लो एक यहाँ पे कलर इसका चेंज करना है, सी ओ एल ओ आर। अब मुझे कलर का कोड नहीं पता, तो मैं कलर कैसे चेंज करूँगा, तो मैंने यहाँ पे खाली कलर लिखा, एंटर मार दिया, सॉरी सी ओ एल ओ आर स्पेस दिया, स्लैश लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, एंटर मार दिया, तो कलर अब देखेंगे यहाँ पे कलर के लिए मुझे हेल्प दिखाई दे रहा होगा, पूरी की पूरी जो आपको हेल्प दिखाई दे रहा है। जैसे आप देखें कलर को कैसे आप यूज़ करेंगे, कलर लिखेंगे और उसके बाद एटायर लिखेंगे, एटायर मतलब एट्रीब्यूट आपको लिखना है यहाँ पे, एट्रीब्यूट ये सारे इसके एट्रीब्यूट हैं कलर कमांड के। जैसे ब्लैक लगाना है तो ज़ीरो और वन से लेके मतलब ऐसे ही सेवन तक यहाँ पे कलर कोड है, फिर उसके बाद यहाँ पे एफ तक है, नाइन तक है, तो जो हैकर का नॉर्मली होता है बहुत अच्छा लगता है जिसे, वो ए कलर यूज़ करते हैं या फिर जो आप ग्रीन यूज़ कर लें, टू यूज़ कर लें, ग्रीन थोड़ा हल्का होता है और अगर आप ए यूज़ करते हैं तो लाइट ग्रीन होता है, बेस्ट लगता है। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखें, कलर का आपको समझ में आ गया, कलर का कैसे करते हैं। अब दूसरी चीज़ होती है कि हम सबसे पहले व्यू जान लेते हैं, व्यू कौन कौन से तरीके से हम देख सकते हैं डायरेक्टरी के, तो हम सी डी एंटर कर देते हैं। अब हम सी ड्राइव में डायरेक्टली आ चुके हैं, जैसे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सी लगाया और बैक स्लैश लगा दिया, तो मैं सीधे सी ड्राइव में आ गया, ये डायरेक्टली बैक जाने के लिए होता है। अब डी ड्राइव ओपन करना है तो डी में गया, डी लिखा, कॉलन लगाया, एंटर किया, तो मैं डी ड्राइव में आ गया। डी आई आर से मैं चेक कर सकता हूँ कौन कौन सी मेरी डायरेक्टरी है, ये मेरी यहाँ पे डायरेक्टरी फाइल्स एंड फोल्डर्स बने हुए हैं। अब मैं सी ड्राइव में गेन आना है तो सी लिखा, सी लिखने के बाद कॉलन लगाया, एंटर मारा, मैं सी ड्राइव में आ गया। डी आई आर से मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। अब मुझे
व्यू देखना, तो व्यू देखने के लिए जहाँ पे ज्यादा फाइल्स बनी हुई है ना, हम उस फोल्डर में चलते हैं। तो सी डी डब्ल्यू आई एन डी ओ डब्ल्यू एस विंडोज पे जाते हैं और डी आई आर से हम चेक करते हैं यहाँ पे इतनी सारी फाइल्स हैं। तो हम यहाँ पे एक एक करके चीजें देखेंगे। तो मान लो डी आई आर स्लैश लगाया और मैंने पी लगाया, डी आई आर से तो आपको डायरेक्टरी सारी शो होती है, डी आई आर मैंने स्लैश लगाया पी लगाया, इसमें क्या होता है आपको पेजेस वाइज जो है डायरेक्टरीज आपको शो करती है। मैंने एंटर मारा, एक पेज आपको शो कर दिया होगा इसने, ये देखिए। अब उसके बाद ये कह रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, आगे देखना है, हाँ मुझे देखना है, फिर आगे ऐसे ऐसे आप कम करके देख सकते हैं। दूसरा आपका विड्थ वाइज के लिए आपको डब्ल्यू लिखना होता है, एंटर मारेंगे विड्थ वाइज दिखाया है। और उसके बाद है ए एस से क्या होता है, आप लिखते हैं तो आपको सिस्टम की फाइल शो करता है, ये सारी सिस्टम्स की फाइल्स हैं जो हाइड होंगी, आपको अभी शो नहीं करेंगे, अगर आप विंडोज के अंदर जाएंगे तो नहीं शो करेंगी। और यहाँ पे एक होती है AH, ये हिडन फाइल ओनली शो करता है, जो सिस्टम की फाइल होती है वो हमेशा हाइड होती है, याद रखिएगा सिस्टम्स के अंदर। और एक होती है ओडी मतलब डाटा वाइज, अगर आपको देखना होती है डाटा वाइज, मतलब डाटा का जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा तो सबसे ऊपर, फिर उसके कम कम नीचे नीचे आता रहता है। और सेम फिर वही हम क्लियर कर देते हैं CLS, पूरा डाटा हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। तो आपको इतनी कमांड समझ में आ गई होंगी। अब इस वीडियो में इतना ही बहुत है, नहीं तो एक दो कमांड्स मैं आपको और बता देता हूँ। अगर जैसे आपको वर्जन चेक करना हो, आप VR लिखें, एंटर मारें, आपका वर्जन चेक हो जाएगा। टाइम अगर आपको देखना हो तो टाइम लिखें, एंटर मारें, आपका टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप दो बार, एक बार एंटर प्रेस कर देंगे तो आप सीधे नीचे आ जाएंगे। डेट चेक करना है तो डेट लिखें, एंटर मारें, डेट आ जाएगी। चेंज करना है चेंज कर लो, अदरवाइज एंटर मारो, सीधे नीचे आ जाओगे। फोल्डर का मैंने बता ही दिया MKDIR। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे CMD का नेक्स्ट पार्ट वीडियो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं।